मसला है। अच्छा, जैसे कि अभी बाहर वो जज लोग कह रहे थे कि भाई बहुत हार्ड चल रहा है, तो कैसा चल रहा है कम्पिटिशन? कॉम्पिटिशन तो देखिए हमेशा टफ ही होता है, ईजी तो कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता। अब ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों के अंदर कितना स्टैमिना है कि वो जजेस के क्वेश्चंस का आंसर्स दे या उनके टास्क को कंप्लीट करे। तो बच्चे ज़्यादा कहाँ के आ रहे हैं, ग्रामीण के या शहर में? बच्चे ज़्यादातर गांव के आ रहे हैं, खुशी इस बात की हो रही है गांव के आ रहे हैं, शहर के भी आ रहे हैं बट गांव के कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, जहाँ से हमें उम्मीद नहीं थी वहाँ के भी बच्चे कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, तो जो बच्चे अगला ऑडिशन कहाँ है? अगला ऑडिशन हम अलवर में रखेंगे क्योंकि अभी हमारा ऑडिशन जो हुआ था हरिद्वार में हुआ था और ग्रेटर नोएडा में हुआ था, अभी जो हमारा दिल्ली में ऑडिशन है ये तीसरा ऑडिशन चल रहा है हमारा। नेक्स्ट ऑडिशन जो होगा वो हमारा अलवर में होगा। तो बच्चे कैसे, मतलब कैसे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, देखा होगा टैलेंट कैसा है बच्चों के अंदर कैसा? टैलेंट के बारे में तो जजेस ही हमें बता सकते हैं कि बच्चों के अंदर टैलेंट कैसा है। कई बच्चे स्मार्ट भी आ रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स भी आ रहे हैं, वो सारा जजेस के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों के लिए कोई मैसेज? बच्चों के लिए यही मैसेज है कि वो प्रिपेयर होके आए, अपना टैलेंट जजेस के आगे शो करें, ये नहीं कि फ्रंट ऑफ कैमरे के आगे आप अपनी लेवल को लो करें, उनके आगे ये नहीं कि आप शाय फील करें। या जहाँ तक अभी मैं सुन रही हूँ छोटे कपड़ों को लेके बहुत से बच्चे क्वेश्चंस उठा रहे हैं, डज नॉट मैटर, आप शो में आ रहे हैं छोटे कपड़ों की बात ना करें क्योंकि शो के अंदर आपको वाटर टास्क मिलेंगे, पानी का टास्क मिलेगा, तो उसमें आपको शॉर्ट्स भी पहनने पड़ेंगे। तो छोटे कपड़ों का सवाल मैं बस यही बोलना चाहूँगी बच्चों से कि वो ना।